हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ बाय वसुंधरा एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कैसा रहेगा नवंबर का मंथ इन रिगार्ड्स टू लव फॉर पाइसिज आउट देयर बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट करे इसलिए जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही रखिएगा एंड यू कैन लीव द रेस्ट इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई और पर्सनलाइज रीडिंग की आवश्यकता होती है तो प्लीज़ आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकें और मैसेज कर सकें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके इन फ्यूचर में आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे सकूँ ऑन दैट नोट पाइस लेट्स बिगिन पाइस के लिए मंथ ऑफ नवम्बर इन रिगार्ड्स टू लव पाइस के लिए मंथ ऑफ नवम्बर इन रिगार्ड्स टू लव स्पाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि कभी भी अगर मैं किसी कार्ड के लिए कहती हूँ कि एक मेजर आरकाना कार्ड है आई जस्ट मीन दैट द कार्ड हैज़ अ वेरी फिक्स एनर्जी इट्स अ स्टेपिंग स्टोन ठीक है एक ऐसी एनर्जी दैट इट इज बाउंड टू हैपन बट माइनर आरकाना कार्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता है दिस ओनली अप्लाइज टू मेजर आरकाना कार्ड्स ओके अगेन आई विल से पाइसिस आई एम फीलिंग कि देर इज़ दिस यू नो फुल मून गोइंग ऑन सो मेजर शिफ्ट हो रहे हैं लोगों की लाइफ में एंड आई फील दैट पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ बिग चेंजेस इन देयर लाइफ सो दैट इज़ वाई द स्ट्रेंथ कार्ड इज कमिंग टू एवरीबडी लाइक इट हैज कम फॉर यू ऑल्सो सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड इट्स अ मेजर आरकाना कार्ड तो जो भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की रिगार्डिंग आई कैन अंडरस्टैंड इट माइट बी रियली हार्ड माइट बी टफ वट एवर इट इज अबाउट टू कम और वट एवर हैज कम टू यू Okay. so I do understand that it is really hard right now but you just need to have a little courage and a little patience that you can go through this okay. so do not worry you will really really sail through this okay now the three of Pentacles is telling me that somebody is connecting to you through social media maybe they have been looking at your social media and they're recognizing you from that point okay but uh, definitely some love new love is coming into your life. द हायरो फ्रेंड विच इज अ मेजर आरकाना कार्ड इज टेलिंग मी दैट मे बी समी इज ओल्डर टू यू हूवर इज कमिंग टू यू या फिर यू आर टेकिंग समजेशन फ्रॉम सम बड़ी हू हैज गॉट मोर एक्सपीरियंस इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ ठीक है तो किसी ऐसे इंसान से जो आपसे उम्र में बड़ा है या उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे इंसान से आप अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग सजेशन लेते हुए नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर द किंग ऑफ स्वाज इज टेलिंग मी दै आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट यू आर डिटर्मिन टू थिंक डिफरेंटली एंड यू आर बींग जज्ड And you are also judging the other person in, the, in, the, in your love life, okay? So, good that you are taking responsibility, and you know, but there is this, you know, energy of you judging the other person or maybe other person judging you. Take care. And for all those who were trying for pregnancy, I think they are going to get a good news in the month of November because the Empress card is here with a major Arcana card, a major energy, okay? Fixed energy. So, some of you are really getting the good news. But for a lot of you, you are vibing in your own uh, feminine energy. I think you are feeling confident, feminine, and in your own power, which is very nice in regards to love. Okay. You are understanding that what you are, you appreciate yourself, you know. This self-appreciation and you know believing in yourself and not being afraid to do what you think is right and being uh, not, you know, being afraid of anything.

Bye-bye. Take care.